टेक। दोस्तों आज भी बहुत सारे न्यूज अगर आपके लिए आया हूँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के न्यूज अपडेट्स को। और दोस्तों सबसे पहले बता दूं, एप्पल ने आज लॉन्च किया है उनका बिजनेस असेंशियल सर्विसेज को। दोस्तों ये सर्विस हेल्प करेगी छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, उनके जितने भी एप्पल डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट रखने के लिए, जितने भी उनके एम्प्लॉयज वगैरह के भी हैं। दोस्तों काफी जबरदस्त सर्विस देने वाले हैं ये। $2.99 से इनकी सर्विस स्टार्ट होगी, $12.99 तक जाएगी ये। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त कहूंगा, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस होंगे एप्पल के, चाहे वो फोन है, चाहे वो उनके आईपैड्स हैं, चाहे उनके आई मैक्स वगैरह हैं, बुक्स हैं, जो भी हैं, वो आपस में कनेक्ट रखेंगे और इसके साथ में वो छोटी मोटी रिपेयर्स वगैरह को भी करेंगे इस सर्विस के इंक्लूडेड में। दोस्तों बेसिकली इम्प्लॉयज को जो भी दिक्कत आती है कि कंपनी के सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो भी उनको लगता है कि जी कंपनी से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तो सभी इम्प्लॉयज को वो एक साथ कनेक्टेड रखेंगे। मैक्सिमम इसकी लिमिट है 500 इम्प्लॉयज की, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। बेसिकली आपको बता दूं, ये डिपेंड करेगा कि कितने इम्प्लॉयज और उनके कितने आगे डिवाइसेस है, उसके हिसाब से वो प्राइस चूज करेंगे। और दोस्तों फाइनली आज पबजी न्यू स्टेट लॉन्च हो चुका है इंडिया में भी, बाकी कंट्रीज में भी। दोस्तों टोटल 200 कंट्रीज में लॉन्च हुआ है दोस्तों ये आज। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि टाइमिंग है 9:30 AM का, सुबह 9:30 बजे गेम आनी थी, लॉन्च होनी थी, और 2 घंटे का डिले हो गया। उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था और ये गेम आई है 11:30 के बाद में, और 2-3 घंटे बाद भी जो यूजर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स वगैरह करनी शुरू कर दी थी कि जी गेम में लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या फिर गेम प्ले में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों कंपनी ने कहा था कि गेम नहीं लॉन्च होगी और बहुत सारे यूजर एकदम से एक साथ अपना डाटा यूज करना शुरू कर देंगे उसके ऊपर, तो गेम में थोड़ी दिक्कत आएगी। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आज सुबह 8:15 के बीच में ये गेम मेरे पास आ चुका था। अब दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आया कि कंपनी ने ऑफिशियली कहा है कि 9:30 पे गेम आना था, 2 घंटे डिले हुआ है, 11:30 पे गेम आया है, पर मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि 8 से लेके 8:15 के बीच में आ चुका था। दोस्तों ये पता नहीं कैसे हुआ है, पर मेरे पास गेम पहले आ चुका था, और दोस्तों मैंने उस टाइम खेल के तो नहीं देखा है, साइन इन वगैरह किया था और सेटअप वगैरह किया था। तो दोस्तों अजीब बात है, और जब मेरे पास ये न्यूज आई है तो मैं खुद थोड़ा हैरान हूं कि ये कैसे हो सकता है, पर हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है आप iOS और Android दोनों पे चला सकते हो इसे, यानी कि दोनों के लिए आ चुकी है, ऐप स्टोर हो, गूगल प्ले स्टोर हो, दोनों से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं एप्पल के लिए जो है 1.4 से लेकर 1.5 GB तक का पड़ेगा, और मिनिमम इसके लिए आपको iOS 13 की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका आईफोन जो है या आईपैड है iOS 13 से ऊपर है तभी ये इस पे गेम चलेगी। और अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं तो इसके ऊपर एंड्रॉयड 6 यानी कि मार्शमैलो से ऊपर वाला वर्जन चाहिए, तभी ये गेम उसके ऊपर चलेगी। तो दोस्तों देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, गेम अच्छी है, मैंने गेम प्ले वगैरह करके देखा था। गेम के इन परचेज में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, जैसे मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल इश्यू चल रहा था तो थोड़ी रुक रहा था, पर गेम के अंदर मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है, गेम बहुत स्मूथली चली है, तो काफी अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों शॉर्टेज वगैरह का तो बहुत बड़ा दिक्कत चल रही है, चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। आज सोनी ने अपने PS5 के लिए कह दिया है कि इसके स्टॉक बहुत कम है हमारे पास, और प्रोडक्शन भी बिल्कुल बंद हो चुकी है लगभग। तो उन्होंने कहा है कि अगर एक आध बार अगर सेल जाती है तो आपको मिल पाएगी, अदरवाइज 2022 में तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों अभी तक तो ये सेल पे ही थोड़ा डिले जा रही थी, अब प्रोडक्शन भी इसकी स्लो हो चुकी है, तो दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों अगला अपडेट दे दूं आपको, निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A13 के बारे में। दोस्तों ये फोन पहले तो यूरोप में लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया वगैरह में आएगा। वैसे आपको बता दूं इसके 2 मॉडल आने वाले हैं, 4G भी होगा और 5G भी, तो अच्छी बात है। 5G के अंदर एक्सपेक्टेड है कि डायमेंसिटी 700 होने वाला है, 4G के अंदर दोस्तों अभी मेरे को आइडिया नहीं है, शायद हो सकता है मीडियाटेक का ही कोई प्रोसेसर हो, वैसे वही होगा, तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला अपडेट दे दूं आपको, यूट्यूब की तरफ से निकल के आ रहा है, यूट्यूब ने आज डिसलाइक बटन जो है उसके ऊपर कुछ चेंजेस किए हैं। अगर आप वीडियो को किसी को भी डिसलाइक करते हो, वैसे मेरी तो बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको डिसलाइक के काउंट्स नहीं दिखेंगे, मतलब कितने डिसलाइक हुए हैं वो नहीं नजर आएंगे। अभी दोस्तों मैं देख रहा था, अभी तो शो हो रहे हैं सभी के, हो सकता है एक आध दिन में ये रोल आउट होना शुरू हो जाए। वैसे यूट्यूब ने कहा है कि रोल आउट होना शुरू हो चुका है, तो अपडेट्स वगैरह कर लीजिए यूट्यूब को,
तो आपको भी ये शो होना शुरू हो जाएगा कि आपको जो डिसलाइक के काउंट्स है वो नहीं शो होंगे, आपका खुद का डिसलाइक ही शो होगा। लाइक के सारे शो होंगे पर डिसलाइक नहीं शो होने वाले। तो दोस्तों मैं कहूंगा काफी अच्छी बात है, पर दोस्तों करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सब इतनी मेहनत करते हैं तो डिसलाइक तो नहीं बनता है। और दोस्तों अगला अपडेट दे दूं आपको, ओप्पो की तरफ से निकल के आ रहा है ओप्पो A55s। दोस्तों ये फोन जल्दी आने वाला है और आपको बता दूं ये फोन जो है एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको, 5G होगा दोस्तों, और इसके अंदर आपको मिलेगा 18W का फास्ट चार्जर। अभी दोस्तों प्राइस जो है आइडिया नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, या जो भी कहें, इसका पहला वेरिएंट आपको मिल सकता है 4GB 64GB का। दोस्तों मैं कहूंगा कि अराउंड 15,000 रहने वाला है शायद, बाकी देखते हैं दोस्तों कितना रहता है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है Spotify से। Spotify जो है उसके अंदर अब आपको इजी हो जाएगा अदर यूजर को ब्लॉक करना, जैसे आपने किसी को आईडी वगैरह दी थी या किसी और जगह जाके लॉगिन किया था और उसके बाद आप चाहते हो कि वहां से लॉग आउट करना भूल गए हो, तो आप अपने ही डिवाइस से उसे लॉग आउट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, ताकि वो लोग आपके स्पॉटिफाई को यूज ना करें। तो दोस्तों ये इजी कर दिया है, इन ऐप के अंदर ही आपको डिफॉल्ट फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे और ऑटो प्ले के लिए तो ये डिफॉल्ट कर दिया गया है, काफी अच्छी बात है। और दोस्तों आज इंडिया के अंदर ई अमृत नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके ऊपर आपको ईवीज के रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो जाके देखिएगा दोस्तों, इसके सारे बेनिफिट्स वगैरह आपको वहां पे पता चल जाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं उनका क्या बेनिफिट होने वाला है, और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए दोस्तों, ताकि लोगों को पता चले कि ईवीज कितने जरूरी हैं और कितने इको फ्रेंडली हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप जो है रोल आउट करना शुरू कर रहा है व्हाट्सएप बीटा के लिए बेसिकली एक नया अपडेट, और दोस्तों इस अपडेट के अंदर वो लेके आने वाले हैं न्यू फीचर्स, जैसे दोस्तों जो हमारी चैट्स हैं उनके अंदर आप सिलेक्ट कर पाओगे माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, जैसे आप स्टेटस के अंदर सेट कर पाते हो, इससे आप अपनी प्रोफाइल को, प्रोफाइल पिक्चर को या फिर अपना लास्ट सीन वगैरह को सेलेक्ट कर पाओगे कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है। और दोस्तों इसी तरीके से वो अपना साथ में नया यूआई भी लेके आने वाले हैं, तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों अभी ये बीटा वर्जन के लिए आ रहा है, तो थोड़े दिनों में या कुछ आने वाले मंथ्स के मैं कहूंगा जल्दी आ जाए, तो हो सकता है आने वाले एक आध महीने के अंदर ये हमें मिल जाए। तो दोस्तों बहुत अच्छा अपडेट लग रहा है दिखने में। और दोस्तों आपको अगला अपडेट दे दूं, निकल के आ रहा है एलन मस्क की तरफ से, टेस्ला की बात हो रही है दोस्तों। यहां पर उन्होंने कुछ 2-3 दिन पहले ही एक ट्विटर पे ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था, लोगों से पोल करके पूछा था कि क्या उन्हें अपने शेयर्स बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए। तो उसके बाद टेस्ला के शेयर जो है वो काफी गिर गए थे उनके प्राइसेस वगैरह, और दोस्तों उन्होंने सिर्फ ये पोल किया था, बेचे नहीं थे, और आज उन्होंने अराउंड $5 बिलियन के टेस्ला के शेयर्स बेच दिए। दोस्तों उन्होंने सेल कर दिए हैं और ये काफी ज्यादा सेल किए उन्होंने अपने शेयर्स, तो जरूरत होगी दोस्तों कंपनी को फाइनेंस इकट्ठा करने में जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों उन्होंने ये आज सेल कर दिए हैं। और दोस्तों साउथ कोरिया के अंदर कुछ नई टेस्टिंग वगैरह चल रही है, वो एक सिस्टम तैयार करने वाले हैं एयर टैक्सी को कंट्रोल करने के लिए, तो दोस्तों अच्छा रहेगा, हो सकता है वो रिमोट कंट्रोल बना रहे हो या कुछ ऐसा, ताकि वो एक जगह बैठकर एयर टैक्सी को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों जरूरी भी है क्योंकि एयर टैक्सी वगैरह जो आ रही है ये ड्राइवर लेस होने वाली है, तो इनका कंट्रोल तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, वरना कहीं सेट गलत हो गया और कहीं और ले गई तो अजीब बात है, गलत बात हो जाएगी। तो कंट्रोल कहीं ना कहीं होना बहुत जरूरी है, और ताकि जो अंदर पैसेंजर वगैरह बैठे होंगे उनको कम से कम कुछ ना कुछ तो शांति मिलेगी कि हाँ अच्छा है कुछ कंट्रोल है नीचे, और अगर यहां से बैलेंस इम्बैलेंस वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं लैंडिंग सही ढंग से हो जाएगी। और दोस्तों बड़ा अपडेट दे दूं आपको, निकल के आ रहा है S22 सीरीज के बारे में। दोस्तों ये हो सकता है कि ये सीरीज जो है 898 प्रोसेसर के ऊपर हो, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898, जो कि एक बहुत बढ़िया फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं ये भी हो सकता है कि ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर S22 सीरीज इंडिया में आ जाए। दोस्तों अब तक S21 सीरीज जो आती है वो एक्सिनोस के ऊपर आती है, और अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन के ऊपर आएगी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप होने वाली है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एक्सिनोस आता है और एक्सिनोस उससे कुछ ना कुछ पॉइंट कम है, मतलब थोड़ा नीचे रह जाता है, पूरा नहीं पॉइंट जा पाता है जितना स्नैपड्रैगन ले जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी ये फरवरी में लॉन्च होने वाला है, तो अभी से बहुत सारे र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं इनके बारे में। और दोस्तों एक अगली न्यूज भी निकल के आ रही है और ये भी बहुत जबरदस्त है,
दोस्तों Redmi Note 11 सीरीज जो चाइना में लॉन्च हुई थोड़े दिन पहले और ये वहां पर MediaTek के ऊपर लॉन्च हुई है। दोस्तों ये सीरीज भी आ सकती है इंडिया में Qualcomm Snapdragon सीरीज के अंदर, यानी कि इसके अंदर Qualcomm Snapdragon सीरीज का कोई ना कोई प्रोसेसर लगा होगा। दोस्तों जबरदस्त हो जाएगा, मतलब ये सीरीज बहुत बढ़िया बन जाएगी अगर Snapdragon का कोई प्रोसेसर लगा होगा, बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप। और दोस्तों बात करें ग्लोबल मार्केट में भी ये Snapdragon प्रोसेसर लग के ही आएगी, तो दोस्तों बड़ी अच्छी न्यूज है मैं तो कहूंगा, क्योंकि MediaTek रहता है तो अच्छा है, पर अगर चाइना से थोड़ा अलग हो जाता है तो और जबरदस्त रहेगा। तो दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा जो है दोस्तों प्लान कर रहा है अपनी 8 नई ईवीज को लॉन्च करने के लिए ग्लोबली और इंडिया में भी। ये 2027 तक दोस्तों इनका प्लान है कि 8 अलग अलग एसयूवी ईवीज के अंदर लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कितनी जबरदस्त होने वाली है। उन्होंने कहा है कि अपने अलग अलग सब ब्रांड्स के अंदर भी लॉन्च करेंगे, तो अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों Hyundai की क्रेटा का जो फेसलिफ्ट होना था आज ग्लोबली डेब्यू हो चुका है दोस्तों, इसकी पिक्चर्स वगैरह सामने निकल के आ चुकी हैं। सेम आई है दोस्तों जो लीक हुई थी, और आपको बता दूं इसके अंदर आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 115 एचपी की पावर प्रोड्यूस करेगा ये, 144 नैनोमीटर के टॉर्क के ऊपर चलेगा मैक्सिमम या पीक टॉर्क कहूं। और दोस्तों इसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट के लिए या इंफोटेनमेंट के लिए मिलेगी 8 इंच की टच स्क्रीन, और दोस्तों डैशबोर्ड वगैरह आप देख सकते हो थोड़ा चेंज भी है, बाहर से लुक तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर आपको मिलेंगे 6 स्पीड गियर मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक में, तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगला अपडेट दोस्तों आपको निकल के आ रहा है होंडा की तरफ से और इनकी RS। दोस्तों ये मिड साइज एसयूवी कंसेप्ट है और ये रिवील हो चुका है आज। वैसे आपको बता दूं इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन हो सकता है दोस्तों, ये मतलब क्रेटा के जैसा ही इंजन होने वाला है। बाकी दोस्तों देखते हैं, दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि ये पहले इंडोनेशिया में मतलब होगा लॉन्च, और बाकी जगह देखते हैं। वैसे इंडिया में अभी तक कोई कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है कि लॉन्च होगा या नहीं होगा, दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं वॉल्वो की तरफ से आज उन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया में अपनी XC90। दोस्तों जिसकी बात मैंने पहले की थी ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है और आज इंडिया में भी आ गई है। दोस्तों इंडिया में इसका पहले डीजल इंजन वाला अब वर्जन आता है उसको रिप्लेस कर दिया गया है पेट्रोल वाले से, अब इसमें डीजल इंजन वाला नहीं आने वाला है। तो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर अब आपको मिलेगा 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, दोस्तों काफी जबरदस्त कहूंगा, इसकी पावर बढ़ गई है। इसके अंदर आपको मिलने वाली है 300 एचपी की पावर और टॉर्क मिलेगा 420 नैनोमीटर का, तो काफी अच्छा टॉर्क है और काफी अच्छी पावर है। पावर जो है वो बड़ी है लेकिन टॉर्क कम हुआ है दोस्तों, क्योंकि डीजल इंजन में टॉर्क थोड़ा ज्यादा होता था। बाकी दोस्तों काफी जबरदस्त गाड़ी है, 89,90,000 रुपीज में लॉन्च हुई है ये। और दोस्तों इसका एक बड़ा वेरिएंट भी है फ्लैगशिप वाला, जिसके अंदर आपको पेट्रोल प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन इंजन मिलता है, जिसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है बाय साइड, और दोस्तों काफी जबरदस्त है वो भी कार। उसका प्राइस आपको पड़ता है अराउंड 96 लाख और समथिंग, तो दोस्तों काफी जबरदस्त है वो, फ्लैगशिप लेवल का आप कह सकते हो मॉडल है और ये नॉर्मल पेट्रोल में आ चुका है। और दोस्तों आज किया की तरफ से EV9 कंसेप्ट जो है उनका आने वाला है, उसके बारे में कुछ ना कुछ इमेजेस वगैरह आई है सामने निकल के। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि वो 2040 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, यानी कि उनकी सारी पेट्रोल वाली डीजल वाली या जो भी कार्स वगैरह आती है वो बंद हो जाएंगी। दोस्तों अच्छा है पर टाइम पीरियड बहुत लंबा है, अभी बहुत दूर है। और दोस्तों आपको बता दूं ये उन्होंने कहा है कि EV6 जो है 2022 में आएगी इंडिया में, अभी EV9 जो है वो ग्लोबली जाएगी, देखते हैं दोस्तों। वैसे EV9 की जो पिक्चर्स है आप देख सकते हो काफी जबरदस्त लग रही है, अपने व्यूज बताइएगा दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों आज टोयोटा ने अनवील कर दी है, या फिर कहूं लगभग लॉन्च कर दी है अपनी दो नई गाड़ियां अवांजा और वेलोज। दोस्तों ये सिस्टर्स हैं बेसिकली आपस में, और दोस्तों अवांजा जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो राउंड शेप में आती है, जो वेलोज है वो शार्प उसकी शेप है। आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो दोस्तों, काफी जरूरत लगती है। वैसे आपको बता दूं जो अवांजा है उसके अंदर आपको एक 7 इंच की इंफोटेनमेंट के लिए टच स्क्रीन मिल जाती है, और जो वेलोज है उसके अंदर 9 इंच की। और दोस्तों इनका एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर अभी 1.3 लीटर और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आने वाला है। दोस्तों देखते हैं, काफी कंफर्टेबल गाड़ियां हैं तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों रिवील हो चुकी है यामाहा की MT10। दोस्तों ये 2022 में आने वाली है,
और दोस्तों आपको बता दूं इसके जो एंड्स हैं और फ्रंट है वो बिल्कुल एकदम शार्प किया हुआ है उन्होंने। आपको बता दूं इसके अंदर 4.2 इंच की TFT स्क्रीन मिल जाएगी, टच नहीं है दोस्तों। और आपको बता दूं इसके अंदर आपको मिलेगी 5.5 HP की पावर ज्यादा MT09 से, तो दोस्तों काफी जबरदस्त होने वाली है। बता दूं दोस्तों आपको कि इंडिया के लिए उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि आएगी या नहीं आएगी, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद ये इंडिया में नहीं आने वाली है। दोस्तों ये बहुत गलत लगा मुझे, आनी चाहिए, क्यों नहीं आने वाली है, पर उनकी मर्जी है दोस्तों, जो उनको अच्छा लगे। तो दोस्तों बाइक सच में बहुत अच्छी। तो चलिए दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों न्यूज़ होते पे खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।